डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शमाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मेंटन हॉस्पिटल। एक्चुअली अक्सर ज़्यादा पेशेंट्स अभी डायबिटीज़ के हैं और डायबिटीज़ की वजह से किडनी के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो क्या आप इससे पहले प्री डायबिटीज़ का वर्ड सुने हैं? प्री डायबिटीज़ माने जहाँ पर आपका शुगर लेवल अब नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन डायबिटिक के रेंज में नहीं है, उसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। तो एक्चुअली ये प्री डायबिटीज़ जो रेंज है, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? प्री डायबिटीज़ अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका शुगर का टेस्ट लिखे, सपोज़ अगर उनकी एज है 45 या 40 के ऊपर है, अगर सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए अगर हम लोग शुगर का टेस्ट लिखे और समझिए उनका फास्टिंग शुगर आया 110 या 111, तो लोग खुशी खुशी आ जाते हैं, मैडम हमारा शुगर नॉर्मल है, 125 के ऊपर नहीं है, वो रिपोर्ट में रेंज देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जो 100 से 125 के बीच में जो फास्टिंग शुगर है आपका, जो नहार पेट का शुगर है, अगर वो 100 से 125 के बीच में है तो तब वो प्री डायबिटिक रेंज में आता। माने प्री डायबिटिक, अगर पेशेंट प्री डायबिटीज़ है माने उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो प्री डायबिटीज़ वाले डायबिटीज़ में बदल सकते क्या? बिल्कुल बदल सकते। अगर आप प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं कर रहे, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं ला रहे, तो वो प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में प्रोग्रेस हो जाता। तो कितने साल में प्रोग्रेस होता? फटाफट जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता या स्लो प्रोग्रेस होता? या प्री डायबिटीज़ रिवर्सल है, माने प्री डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करके नॉर्मल में आ सकते क्या? ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक्चुअली अक्सर ज़्यादा लोग 80 से 90% लोगों को प्री डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, तो इसीलिए प्री डायबिटीज़ माने जहाँ पर आपका शुगर अबव नॉर्मल है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन डायबिटिक रेंज में नहीं है, उसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। और ये प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ आने के लिए हो सकता है थोड़े लोगों को, थोड़े पेशेंट्स में 1 से 2 साल में आप डायबिटीज़ बन सकते हैं, या नहीं तो 10 से 15 साल भी लग सकते हैं आपका डायबिटिक रेंज आने के लिए। फिर ये डिपेंड करता है थोड़े फैक्टर्स में, जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, माने कौन से पेशेंट रिस्क में हैं जिसको डायबिटीज़ आ सकता। जैसे समझिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 50% रिस्क है आपको डायबिटीज़ आने का। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी नींद 6 घंटे से कम है, मतलब नॉर्मल 5 से 6 घंटे की नींद, अच्छी सी नींद होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो वो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगर वज़न ज़्यादा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो डायबिटीज़ को आने के चांसेस रहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ के बारे में इसीलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस आपको शुगर आने से पहले शुरू हो जाते हैं, माने कि किडनी पे और आईज में सबसे पहले आपका प्री डायबिटीज़ और हाई शुगर से चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्री डायबिटिक है तो आप खुश नहीं होना है, प्री डायबिटिक का डेंजर कंडीशन रहता, तो इसीलिए प्री डायबिटिक को प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्री डायबिटीज़ कैसा प्रिवेंशन कर सकते हैं? जब भी अगर 40 इयर्स के ऊपर है आप, या नहीं तो फैमिली हिस्ट्री है, तो आपका शुगर चेक हो रहा और आपका फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में है और खाने के बाद आपका शुगर 140 से 200 के बीच में है, तो आप जैसे कि मॉडिफाइबल चेंजेस कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। जैसे अगर आप ज़्यादा वज़न है आपका, मोटापा है, तो वज़न कम करना। अगर आप 10% भी वज़न कम करते तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाता। नेक्स्ट है अगर आप स्मोकर है, अल्कोहल है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ना और बाहर का जंक फूड खाना अवॉइड करना और अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस, मेनली स्ट्रेस अवॉइड करना, मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। और मिनिमम 150 मिनट्स एक हफ्ते में अगर आप 150 मिनट्स वॉक कर रहे हैं तो तब भी आपका प्री डायबिटीज़ नॉर्मल होने के चांसेस है। इसका मतलब ये है कि प्री डायबिटीज़ आ रहा, प्री डायबिटिक रेंज में हैं आप, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके आप नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। मतलब प्री डायबिटीज़ रिवर्सल है, रिवर्स हो जाता है नॉर्मल को। डायबिटीज़ रिवर्सल है या नहीं इसके बारे में और रिसर्च चल रही, तो इसीलिए प्री डायबिटीज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज़ मतलब आपका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जा रही, तो उस वक्त आप अगर लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं या कौन से फैक्टर से आपको प्री डायबिटीज़ में आ रहा है वो पता करके आप नॉर्मल शुगर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्री डायबिटीज़ डेंजर चीज़ है और उसको प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिवेंट नहीं करें तो डायबिटिक में जाते हैं, और प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के पीरियड में
पूरे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट होना शुरू होते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज होना, आइस में डैमेज होना, रेटिनोपैथी बोलते हैं, आइस डैमेज होना, ब्लाइंडनेस आना, यानी तो आपके हाथ पैरों में छुम-छुम, यानी ये सब नर्व्स अफेक्ट होना, न्यूरोपैथी बोलते हैं जिसको, और बाद में जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट आना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए ये डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ पूरे अपने लाइफस्टाइल डिसीजेस है जो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अगर अपन साल में एक बार चेक करा रहे, 30-40 ईयर्स के बीच में शुगर भी चेक करा रहे और अपने बाहर का खाना कम कर रहे और एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक डेली जा रहे, तो हम प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।